सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई फटाफट से मैं लेके आ रहा हूँ सारी वीडियोस। तो अभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मेरा जो इनकम टैक्स और जीएसटी यानी कि पेपर नंबर 4 जो टैक्सेशन का होता है, उसकी मेरी आंसर शीट जो आई थी उसके ऊपर बात करेंगे। और भाई मैं लिटरली सही बताऊँ, मतलब इसका मेरा बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत गंदा पेपर करा था सही में बहुत। और मेरे को डर भी सिर्फ इसी सब्जेक्ट का था, बट फिर भी ये मेरा क्लियर हो गया। और मैं तुम्हें फिर भी दिखा दूंगा भाई तुम्हारे रिक्वेस्ट पे। इसमें कुछ ना कुछ तो मेरी मोस्टली, तो मैं गलती बताऊंगा अपनी, कुछ एडवांटेज मैं अपनी तरफ से दे सकूँ कि हाँ ये तुम करो, ताकि तुम्हें वो आगे बढ़िया मतलब अच्छे से हो जाए, ताकि तुम वो गलती ना करो। ये भी मैं इसके लिए भी मैं तुम्हें टिप्स दे सकता हूँ। तो मेरी इस वीडियो से, इस सर्टिफाइड कॉपी से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। साथ के साथ मैं एक और चीज़ बता दूँ कि सीए के ओवरऑल सारे सब्जेक्टों को मिला के अगर हम देखें तो भाई इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है आपके लिए। भाई सीए एग्ज़ाम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा वास्ट है कि इसे 3 से 4 बार रिवाइज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता एक सीए एंटर के स्टूडेंट के पास। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसे कोई क्वेश्चंस की लिस्ट हो जिसमें मतलब कम से कम 80 या 100 ऐसे क्वेश्चंस हो अवेलेबल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स के एनालिसिस करने के बाद हमें मिले हो, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, ताकि उन क्वेश्चंस को हम 3 से 4 बार रिवाइज कर सकें अपने लेवल पे और फिर हम एग्ज़ाम्स अच्छे से दे पाएँ। तो मैंने सीए प्रतीक सर के साथ पार्टनरशिप में आके ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के सारे सब्जेक्ट्सों के अवेलेबल हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है ये पिछले 11 अटेम्प्ट्स के एनालिसिस के बाद बनाई गई है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। और इसमें से मेरे हिसाब से तुम 70 से 80 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी खुद से थोड़ा बहुत देखा इन क्वेश्चंस को तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। सर ने मेरे को बताया कि पिछले अटेम्प्ट में इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वजह से जिन बच्चों के 3 से 4 अटेम्प्ट लग चुके थे वो भी पास कर चुके हैं, और उनके रिव्यूज़, उनके फीडबैक्स आप नीचे कमेंट में दिए गए लिंक से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि उनको कैसा लगा। इसका जो प्राइस है वो भी बहुत नेग्लिजिबल है, 2 से 3 हज़ार रुपये में आप मिल जाएंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है कि क्या प्राइस है, और आप मेरा कोड यूज़ कर कर 10% का एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हो। और ये बहुत ही लिमिटेड ऑफ़र है, तो भाई इसको ज़रा सा भी देरी मत करना, फटाफट से ये ऑफ़र अवेल कर लो, क्योंकि अगर दिक्कत होगी तो फिर बाद में मत बोलना कि यार साहिल भाई 10% का डिस्काउंट नहीं मिला। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट वगैरह है, जो भी प्राइस वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो, सबकी जो भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके प्रॉपरली सारा चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई क्वेरी आती है तो तुम डायरेक्टली सीए प्रतीक सर से बात कर सकते हो, मैं आपको नंबर स्क्रीन पर शो कर देता हूँ और आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जाकर उनसे। भाई तुमने सॉल्यूशन सुन लिया होगा, अब हम सीधा चलते हैं अपनी सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर। और इसमें मैं सबसे पहले तुम्हें डीटी वाला पार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे थोड़े से सही नंबर थे। मैं ओवरऑल तुम्हें बता दूं कि मेरे मतलब 42 में से 21 मार्क्स थे, ठीक है। और जीएसटी के अंदर मेरे 28 में से 8.5 नंबर थे। मेरी जीएसटी इतनी अच्छी प्रिपेयर नहीं थी, और मैं एंड में तुम्हें एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ इससे रिगार्डिंग, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि एक बोनस टिप मैं तुम्हें देने वाला हूँ। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, पहले एक एक चीज़ें उठाएंगे कि क्या क्या है। सो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि मैं एक बार क्वेश्चन उठा लूँ। सबसे पहले ना मैंने क्वेश्चन 2 ही करा है, तो मैं दोबारा ये बोलना चाहूँगा कि सीक्वेंस डजेंट मैटर। ये बार बार अब तो तुम समझ ही गए होगे कि सीक्वेंस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, शायद से रेजिडेंट वाला, जो रेजिडेंट वाला होता है ना, रेजिडेंशियल स्टेटस, तो उस वाला था ये, उस क्वेश्चन, उस चैप्टर का क्वेश्चन था ये। तो भाई ये मैंने करा, तो इसमें कुछ 6-7 पॉइंट थे और ये 3 नंबर का था आई थिंक। तो मैंने करा और इसमें से मेरे 4 ठीक गए, ठीक है, 2 गलत गए, तो मेरे को ओवरऑल 2 नंबर मिल गए। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं स्टेप वाइज मार्किंग इनकम टैक्स वाले पेपर में भी होती है, ठीक है। और इसके साथ में एक और चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगा कि अपना सीक्वेंस प्रिपेयर करो, प्रिपेयर अ सीक्वेंस हाउ यू वांट टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। इसका मतलब कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है बिग और स्मॉल क्वेश्चन। पता है
तुम जब खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे या फिर खुद से जब तुम एक तरीके से ये कहा जाए कि मॉक टेस्ट वगैरह दोगे या जैसे भी टेस्ट वगैरह करोगे, तो उन टेस्ट को करने के बाद तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाउ यू वांट टू अटेम्प्ट, क्योंकि उससे तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम्हारी किस चीज़ में स्ट्रेंथ है और किस चीज़ में वीकनेस है। तो मैं ये तुम्हें प्रेफर करूँगा कि स्टार्ट विद योर स्ट्रेंथ, स्टार्ट विद योर स्ट्रेंथ। इसका मतलब सीधा सीधा ये कहा जाए कि अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ, एक तो ये हो सकती है कि तुम्हारा बड़े क्वेश्चन जो होते हैं यानी कि बिग क्वेश्चंस, उनमें तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जैसे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन हो गए या फिर सैलरी टीडीएस, वैसे ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं वो। एक होता है स्मॉल क्वेश्चंस यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस या इन सारे एडवांस टैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई, छोटे मोटे क्वेश्चन जो आते हैं, छोटी कैलकुलेशंस के, 5-6 नंबर के, 10 नंबर के, तो तुम उन्हें टारगेट करते हो, तो ये तुम्हें मॉक टेस्ट वगैरह देने से पता लग जाएगा। अब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, सबसे पहले तुम मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, वहाँ से तुम अपनी स्ट्रेंथ निकालो और एक प्रॉपर प्लान करके चलो कि तुम्हें किस सीक्वेंस में अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो मेरी पहले ये थी प्लानिंग कि मैं पहले छोटे क्वेश्चंस उठाऊंगा और वहाँ से नंबर अपना खींचते हुए लेके जाऊँगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन से क्या है जल्दी जल्दी पेपर ख़त्म होगा। वरना एंड में क्या होता है कि शुरू में एक दो क्वेश्चन तुमने बड़े करे और एंड में इतने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बच जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। तो सबके अलग अलग थिंकिंग है, तुम अपने हिसाब से चल सकते हो। मैंने क्या करा था कि मैं छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करा था। सो भाई इसमें भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपर तुम्हें गैपिंग रखनी है। भाई देखो, मैं हर पेपर्स में, हर एक कॉपी में यही सलाह तुम्हें देते आ रहा हूँ कि बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि प्रेजेंटेशन कुछ नहीं होती। प्रेजेंटेशन का सिंपल सा मतलब है एक तरीके से रीडेबल हो चीज़ और अंडरस्टैंडेबल हो। अगर तुम प्रॉपर गैप दे दोगे ना और प्रॉपर एक स्पेस दे के कोई चीज़ लिखोगे या प्रॉपर फॉर्मेट में कोई चीज़ लिखोगे, वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेबल है, उसमें तुम्हें सजाने की कोई ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बोला कि मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा था, तो ऐसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी करा। इसमें से मैंने लगभग 3 नंबर निकाले, ठीक है, और 3 नंबर यहाँ से आगे, इसमें मेरा 1 पॉइंट गलत हो गया था। तो इतना तो चलता भाई इनकम टैक्स में, तुम कुछ ना कुछ भूलोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए मैंने पार्ट स्टार्ट करा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 का सी भी था, बट मैंने वो स्किप कर दिया क्योंकि मैं वो बाद में करूँगा, और मेरे को ऐसा लगा कि उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगी और उससे मेरा मोटिवेशन जाएगा नीचे। तो मैंने सीधा सीधा पहले वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो मेरे को आते थे। सो फिर दोबारा मैं बोलूँगा, सीक्वेंस डजेंट मैटर, जो तुम्हें आता है पहले वो तुम करोगे। थर्ड का ये मैंने करा और ये था कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन का प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है कैलकुलेशन करने का, कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ये एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, नेट वैल्यू आ जाएगा, फिर तुम्हारा हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सारा IOBC वगैरह। IOBC होता है क्या इसके अंदर, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ भाई, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं होता, HP के अंदर होता है। तो एक तरीके से ये तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मेट है, तुम्हें इसके हिसाब से चलना है। और मैं तुम्हें ये बता दूँ, एक और टिप मैं तुम्हें बता दूँ इनकम टैक्स में, कि देखो कॉम्पिटिशन ऑफ कैपिटल गेन है, ये चैप्टर हर कोई पढ़ता है, हर कोई इसे ढंग से थोड़ा बहुत सॉल्व करता ही है। बट इसमें एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊँ कि जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये वो वाले टाइप का क्वेश्चन पूछा है जो मोस्टली बच्चे जिसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम करते हैं, क्योंकि आई थिंक ये मेरे को शेयर्स वगैरह वाला लग रहा है, जहाँ तक मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये मतलब उस तरीके का क्वेश्चन है। सो मैं तो मैं क्लियरली ये बात बोलूँगा कि कोई भी चैप्टर है ना, उसमें से कुछ भी पार्ट छोड़ो मत कि ये सोच के कि ये तो थोड़ा ऐसा ही है, साइड वाला है, इसमें से नहीं पूछेगा, क्योंकि ICAI उसी चीज़ को टारगेट करता है जो बच्चे छोड़ते हैं। ये मैंने ICAI का गेम समझ लिया था, तो इसीलिए भाई देखो अंदर से साइकोलॉजी है कि हाँ छोड़ देते हैं, मैं भी छोड़ देता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं सारा ही कवर करके जाता हूँ, बट ट्राई करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करके चलने का, क्योंकि ICAI वही पकड़ेगा जहाँ तुम छोड़ रहे हो। सो ट्राई करो अपने दिमाग में, जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि हाँ चल ये वाला टॉपिक छोड़ देता हूँ, तो दिमाग में ये याद रखना कि ICAI इसी का क्वेश्चन पूछेगा। सो ये मैंने करा, प्रॉपर फॉर्मेट रखा और प्रॉपर गैपिंग वगैरह है, यहाँ पे मेरा कुछ गलत हो गया था, इसमें मेरे को स्टेप 1 के 1 नंबर मिले, और मेरे हिसाब से स्टेप 1 इनका ये वाला था या फिर ये वाला था, तो इसमें से मेरे को 1 नंबर मिला है। और इसमें कुछ ऐसे लिखने वाला था, तो मैंने देखो क्या लिखा, अनलिस्टेड अमाउंट्स टैक्स ट्रीटमेंट विल बी एज फॉलोज, इट विल बी टैक्सेबल नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, ये वाला। तो
ओवरऑल मेरे को इसमें एक नंबर मिला है, और आई थिंक ये कितने 3-4 नंबर का तो होगा एटलीस्ट, तो एक नंबर मिला। कोई नहीं, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा स्टेप्स देने होंगे वो मैंने नहीं करे। अब इसके बाद मैं थोड़े बड़े क्वेश्चंस में शिफ्ट होने लग गया था, क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो भाई बहुत कम ही मिलते हैं इस वाले में। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, टेक्स का पेपर अगर तुम्हें पूरा करना है और अपने रिस्क वाले चांसेस को हटाना है कि हाँ भाई फेल होने के थोड़े कम चांसेस हों, तो 100% अटेम्प्ट करना पड़ेगा, या फिर 100 भी नहीं तो 90% अटेम्प्ट करके आओगे, और उसके लिए तुम्हारा हाथ नहीं रुकना चाहिए भाई, लिखते जाओ बस, लिखते गए सारा अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रॉपर एस एस सी का नाम लिखा, असेसमेंट ईयर कॉम्पिटिशन, और ये एक तरीके से मेन हेड होता है, और इसके बाद यहाँ पर वर्किंग नोट चालू होते हैं। अब यहाँ पे वर्किंग नोट वगैरह चालू हो रहे हैं, सैलरी का वर्किंग नोट दिया, ये कैलकुलेशन करी, ये गलत हुआ, कुछ सही हुआ, ठीक है। मतलब मेरे साथ पता है क्या हो रहा था, एग्ज़ाम प्रेशर इतना गंदा हो रहा था ना टेक्स के पेपर में मेरा, क्योंकि मेरा मैंने टेक्स का पेपर बहुत गंदा करा है, लिटरली मैं बताऊँ बहुत गंदा करा है। बट टेक्स का पेपर इतना गंदा होने के बावजूद भी भाई तुम ये लगाओ, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना जो हर किसी बंदे को आती हैं, जैसे पर्टिकुलर चैप्टर सैलरी, अब सैलरी में हर किसी बंदे को HRA, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, ये तो आता ही होगा, मैं उनमें भी गलती करके आ रहा हूँ, तो समझ रहे हो कितना गंदा प्रेशर आ रहा होगा। तो फिर भी मैंने भाई संभाला, तुम समझ रहे हो, इस वीडियो में मेरा अलग सा डीमोटिवेशन चल रहा है, क्योंकि भाई टैक्स का पेपर थोड़ा ऐसा ही है, मेरी तैयारी भी इतनी बढ़िया नहीं थी। मैं अपनी तैयारी में मैं तुम्हें पॉइंट बताऊँ, जो मेरी जहाँ गलती रह गई वो ये था कि मैंने टेस्ट नहीं दिए, और आई वांट कि तुम ये गलती ना करो, बिल्कुल भी मत करना। पेपर तुम्हें देने हैं, मॉक टेस्ट तुम्हें देने हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। तो ऐसे करके मैंने कुछ लीव इन कैशमेंट निकाला, ये गलत हुआ मेरा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जा रहे थे भाई, ये करा ये करा, तो ओवरऑल मेरे को 3 के बी में एक नंबर मिला कुछ। इसके एक तरीके से देख रहे हो, यहाँ पे एक टिक लग रहा है, ग्रीन टिक, इसका मतलब यहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ सही हुआ है। सो मैं ये प्रेफर करूँगा कि तुम वर्किंग नोट प्रॉपरली बना के आओ, ठीक है। वर्किंग नोट तुम प्रॉपर बनाओगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं स्टेप वाइज मार्किंग में नंबर मिलेंगे। सो 3 के बी में मेरे को आई थिंक 3 नंबर मिले हैं, ये लोड क्यों नहीं हो रहा, हाँ 3 नंबर मिले हैं। मैं तुम्हें ओवरऑल लास्ट में दिखा दूंगा कितने किस में नंबर मिले। थर्ड का सी ये आई थिंक थोड़ा थियोरिटिकल टाइप में था, तो इसका फर्स्ट पार्ट ठीक हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट गलत हुआ है, थर्ड पार्ट ऐसा हुआ है। बट एक चीज़ मैं तुम्हें नोटिस करने को बोलूँ, ये वाला, हाँ, तो इसमें तुम ये देखो कि मेरी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ही लेमन लैंग्वेज टाइप की है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली बुक इस टाइप का प्रोविजन दे रहा हूँ मैं, ना मैंने सेक्शन नंबर कहीं पे कोट करा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑफ 50,000 इट विल बी टैक्सेबल होली अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड इज टैक्स्ड व्हेन वी एक्चुअली रिसीव इट, एडवांस फॉरफिटेड विल बी टैक्स्ड एनीवेयर, मतलब विल नॉट बी टैक्स्ड, ऐसे ऐसे करके मतलब मैंने लिखा पढ़ा। नॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें नंबर थोड़े बहुत लाने हैं तो। ओवरऑल इसके अंदर मेरे को 2 नंबर मिले, और पूरे थर्ड क्वेश्चन के अंदर 6 नंबर मिले। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन 12 या 14 नंबर का होता है, तो 6/12 या 14 ऐसे करके मैं नंबर ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसके बाद भाई आता ही वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें देखो, ये तो गलत आपको क्रॉस क्रॉस दिख रहा होगा ना, ये तो आना ही है, क्यों, क्योंकि टोटल इनकम का क्वेश्चन है, जिसमें फाइनल आंसर सही आने के चांसेस बहुत कम होते हैं मेरे जैसे बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं बीच में गलती हुई वही नंबर कटेंगे। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा प्रॉपर वर्किंग नोट बना के, और उसमें मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। वर्किंग नोट नंबर 1 PGBP प्रॉपर करा है ये, ठीक है, ये सारा करा, ये सारा करा। डेप्रिसिएशन में यहाँ मेरी गलती हुई है कुछ, कहीं ना कहीं हाउस प्रॉपर्टी मैंने निकाला, ये चलो नॉर्मल सा था, ये कर दिया। IFOS का निकाला मैंने। अब आप ये देखो, एज़ पर 115 BAC ये मेरे को आता ही नहीं था, मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं आता था। मैं सही बताऊँ, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी भाई, मैं बस प्रोविजंस को बार बार पढ़ रहा था। और मैं तुम्हें यही टिप देना चाहूँगा, मैं बोनस टिप अभी से एक और बोनस टिप देना चाहूँगा। जैसे नोट्स हैं, तुमने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स तुम रिवाइज कर रहे हो, मत करो भाई। प्रोविजंस को रिवाइज करने में कोई फ़ायदा नहीं है, तुम सीधा उस प्रोविजन का एक क्वेश्चन कर लो। मैं यही सजेस्ट, लास्ट मोमेंट में भी तुम्हें 10-15 दिन जितने भी रह रहे हैं, मैं तुम्हें इसमें यही सजेस्ट करूँगा भाई, ये चीज़ ना लिख लो,
बिठा लो, दिमाग में छाप लो, घोल घोल के पी जाओ पानी में, जैसे मर्जी कुछ भी करो, बट ये चीज़ दिमाग से मत भूलना कि प्रोविजंस, जैसे तुमने जो भी नोट्स बना रखे हैं ना, उसको यूँ रिवाइज करने से बेहतर है कि तुम उसका एक क्वेश्चन कर लो। प्लीज़, मेरे ये रिक्वेस्ट है तुम्हारे से। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है ये, और मैं ये मानता हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। इसके बाद अंदर प्रेजेंटिव टैक्स स्कीम ये मैंने करा, ये सही से निकल गया मेरा, ठीक है। अंडर नॉर्मल प्रोविजंस ये करा मैंने, जो भी करा ठीक है, ऐसे ऐसे करा। और इसके बाद ओवरऑल मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन में 10 नंबर मिलते हैं। इसका मतलब तुम ये समझ रहे हो, 14 में से 10। और तुम एक चीज़ देखो, तुम ये देख रहे हो कि मैंने पूरा पेज छोड़ रखा है। ये मैंने किस लिए छोड़ा था? ये मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि मैं इस पर नोट्स लिखूंगा। बट मेरा क्या माइंडसेट था, मैं पहले बाकी क्वेश्चंस कर लेता हूँ क्योंकि मेरे बाकी रहते थे, एंड में आके नोट्स लिख दूंगा। बट वो एंड अभी तक नहीं हुआ, अप्रैल आ गया ठीक है, और मई भी आ जाएगा अभी। मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या है। मैंने नोट्स नहीं लिखे, जो होते हैं ना एक तरीके से प्रोविज़न टाइप के नोट्स है, 1 2 ऐसे लिखते हैं, हर कोई टीचर बताता है ये चीज़, मैंने नहीं लिखे। ये मेरी गलती है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखे तो मेरे को नंबर मिल गए। बट मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, प्रॉपर तुम वर्किंग नोट्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर तुम अभी तक या किसी टीचर ने तुम्हें ऐसे पढ़ाया हो, वैसे तो नहीं पढ़ाते कि तुम वर्किंग नोट्स में उसे सॉल्व नहीं करते हो, तो भाई अभी से उस चीज़ को चेंज करो। और वर्किंग नोट्स में जितना हो सके ना, वर्किंग नोट के अंदर वर्किंग नोट बना दो, मैं तो ये कह रहा हूँ, ताकि तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींच सके। क्योंकि भाई तुम ये देखो, 14 नंबर के क्वेश्चन में मेरे को 10 नंबर मिल रहे हैं विदाउट नोट्स लिखे हुए। अगर नोट्स लिखता तो हो सकता है और इम्पैक्ट पड़ता। तो तुम्हें नोट्स भी लिखने हैं, वर्किंग नोट्स के अंदर बनाना, और एक्यूरेसी तो होनी चाहिए। अगर मेरे 14 में से 10 नंबर आ सकते हैं इतना गंदा क्वेश्चन करके, तो तुम्हारे क्यों नहीं आ सकते? अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1 का सी। सो ये भाई देखो, यहाँ मैंने गलती करी, देख रहे हो कितनी बड़ी गलती। जल्दबाजी में मैंने 1 का सी लिख दिया, जबकि यहाँ 2 का सी लिखना था। और वहाँ पे करेक्शन भी करी गई है इस चीज़ की कि 2 का सी। तो ऐसा नहीं है, आईसीआई वाले भाई बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर देते हैं उस चीज़ को ठीक। बट मैं कहूँगा तुम मिस्टेक्स ना करो किसी भी चीज़ की। सो एज़ पर 194Q, TDS वाला भाई बहुत बहुत गंदा, मैं सही बता रहा हूँ ना, बहुत गंदा पेपर करके आया था मैं। मेरे को नहीं आ रहा था याद, सही में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई मैंने, तुम ये देखो ना, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, तो मेरे को याद कैसे आएगा कि उस प्रोविज़न को इस क्वेश्चन में कैसे कनेक्ट करूं। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि प्रोविज़न्स रटने से बढ़िया है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिर्फ प्रोविज़न पढ़ते जाओगे ना तो तुम उसे क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा प्रोविज़न लग रहा है। इसके बाद आता है ये, मैं तुम्हें फाइनल दिखा देता हूँ कितने क्या नंबर मिले। देखो, 14 में से 10 नंबर मिले हैं, सेकेंड क्वेश्चन में 14 में से 5 मिले हैं, 14 में से 6 मिले हैं, 14 में से 0, मतलब कि एक तरीके से वो हो गया। ओवरऑल मिला के मेरे को 42 में से 21 मार्क्स मिले हैं। और लिटरली एक चीज़ बताऊं मैं, 42 में से 21 मार्क्स कोई बुरे नहीं है DT वाले पार्ट में। एक मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए 42 में से अगर वो 21 नंबर ठोक रहा है DT में, जो इतना गंदा पेपर करके आया, तो भाई कोई बुरी बात नहीं है, तुम मेरे से भी अच्छा कर सकते हो और 30 35 नंबर आराम से खींच सकते हो। अब चलते हैं GST वाले के ऊपर, फटाफट से करते हैं कवर। इसमें तो कुछ है ही नहीं दिखाने को भाई, बहुत जी कुछ नहीं करा भाई GST में मैंने, मेरे को आता तक नहीं था करना कैसे है। थोड़ा बहुत करण पीछे बैठा था, तो करण में से थोड़ा बहुत देख लिया, ये करा ऐसे ऐसे, ये करा प्रॉपर फॉर्मेट में। इसमें मेरे को दिखाता हूँ स्टेप वाइज, देखो मार्किंग सारी मिल रही है स्टेप वाइज, ओवरऑल 3.5 नंबर मिल रहे हैं ठीक है। ये देखो रो, मतलब यहाँ पर देख रहे हो रिमार्क्स, कोई रिमार्क्स नहीं, पता कुछ याद ही नहीं है भाई, कुछ आ ही नहीं रहा, बस कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि हाँ ऐसे ही है, इसमें नहीं जाना चाहिए, एग्जाम टाइप वैसे है, तो बस अमाउंट वगैरह लिख दी। और कहीं ना कहीं अमाउंट वगैरह कर कुरा के जैसे तैसे 2 नंबर यहाँ से भी खींचे। तो तुम एक चीज़ मेरे से पॉजिटिव ये चीज़ ले सकते हो कि अगर तुम्हें नहीं भी आता, फिर भी कुछ ना कुछ कुछ तो पढ़ा होगा तुमने, वो तो अटेम्प्ट करके आओ। बट मैं ये कहूँगा कि हाँ अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ, बढ़िया प्रैक्टिस करके जाओ। 6 का B ये क्वेश्चन करा मैंने, और इसके B में मेरे को 2.5 नंबर मिले, ओवरऑल 4.5 नंबर मिल रहे हैं ठीक है। 7 का A ये करा, बट इसमें तुम देख रहे हो लीगल प्रोविजंस में लिख रहा हूँ, एक तरीके से लॉ वाले तरीके को मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सर ने भी कुछ ऐसा ही बताया था,
पैन छोट छोट के क्यों भाग रहा भाई। तो देख रहे हो 0.5 नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बढ़िया मैं करके नहीं आया। मैं सिंपली अब वीडियो बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ ना, देख रहे हो पूरी शीट खाली पड़ी है मेरी, सिर्फ इतना ही करके आया था मैं। और इसके बाद मेरे को जो मार्क्स मिले वो मिले मेरे को एमसीक्यू में। मैं दिखा देता हूँ एमसीक्यू में। तो भाई एक चीज़ तुम्हें बताऊँ कि एमसीक्यू कैन ऑल्सो प्ले अ बिग रोल इन योर मार्क्स। मतलब जिस बच्चे का मेरी तरह हालत हो, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा सही से नहीं कर रखी हो, तो एमसीक्यू भी वहाँ पे तुम्हें बचा सकते हैं। तो तुम यहाँ पर देख रहे हो मेरे टोटल 4 नंबर इसमें और 7 नंबर इसमें, कुल मिला के 11 नंबर यहाँ से आ रहे हैं। तो तुम ओवरऑल देखो कि मेरे सीन क्या बैठ रहा है। 21 नंबर, 21 नंबर मेरे उसमें आए, ठीक है, 8.5 नंबर यहाँ आए और 11 नंबर यहाँ आए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 32 प्लस 8.5 तो 40.5, 41 नंबर। तो इस तरीके से मैं पास हो रहा हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई तुम भी कर सकते हो, और पास करना आसान है देखा जाए तो। मैं नहीं बोलूँगा कि पास करना मुश्किल है, अगर मैं इतनी गंदी तैयारी से भी मैं पास हो सकता हूँ तो तुम इतनी अच्छी तैयारी करके पास क्यों नहीं हो सकते। तो आई होप सो तुम्हें मेरी इस वीडियो से, मेरी इस कॉपी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और मैं आगे भी बाकी सब्जेक्ट्स का ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी लाने का। बाकी तुम्हें ये सारी शीट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। अगर तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें सारे पेपर्स की जो पहले मैंने दिखा दिया वीडियो में उन सब की शीट मिल जाएगी, वहाँ से तुम देख सकते हो, वहाँ पे इंस्टेंट अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड पीस आउट। राम राम।